गुड इवनिंग फ्रेंड, क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पे आपका स्वागत है। अभी रेलवे के ओर से दो अपडेट्स आया है, उसके रिगार्डिंग ये मैंने वीडियो बनाया। तो फर्स्ट इस पे देखते, ठीक है। जो पहला अपडेट आया वो रिगार्डिंग एनटीपीसी के रिगार्डिंग आया, जो एनटीपीसी सेकंड है, जो टेंटेटिव डेट के लिए बोला था, उसका डेट फिक्स हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि पोस्टपोन होने वाला है क्या कोरोना के पेंडेमिक में, बट उसी पे ही रेलवे ने नोटिफिकेशन दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है, आप देख सकते हो, यार अभी भोपाल का वेबसाइट है, उस पर ही ये उन्होंने नोटिफिकेशन पब्लिश किया। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट में ही क्लियर कर दिया है कि सेकंड स्टेज सीबीटी है वो 15 फरवरी से 19 फरवरी में होने वाला है, और यहाँ पे कोई पे भी टेंटेटिव वर्स यूज नहीं किया है। मीन्स 100% यही डेट पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और ये एग्ज़ाम आपका जो है हर दिन हर एक एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है वो आप अच्छे से पढ़िए, ईच लेवल, ईच ऑफ द लेवल, लाइक लेवल 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ऐसे जितने भी लेवल के अलग अलग सीबीटी रहेंगे आपके, ठीक है। और जो रोल नंबर सीबीटी 1 में जो रोल नंबर है, वही रोल नंबर आपका सीबीटी 2 में ही रहेगा। फोर्थ पॉइंट जो है उसका जो सीटी है, ठीक है, अगर आपकी अलग अलग डेट पे अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, तो आपका सेंटर जो है एग्ज़ाम का वो अलग अलग रहेगा, बट एक सिटी में ही रहेगा। सपोज़ मान लो कि पुणे में है, दिल्ली में है, या ना, तो आपका एग्ज़ाम सेंटर वही रहेगा। तो हो सकता है कि आपका जो सेंटर है वो सिटी में कहीं अलग अलग होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने लेवल्स क्लियर किए, आपने लेवल 5 किया है कि ऑल लेवल्स किया, उसके हिसाब से रहेंगे, ठीक है। फिर में तो उन्होंने यही बताया कि SC ST का जो भी ये रहता है उनको पास मिलता है ट्रैवलिंग, वो 3 फरवरी से मिल जाएगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में लास्ट देखेंगे कि ईच कैंडिडेट विल हैव अ कॉमन सिटी इंटीमिडेशन स्लिप, ठीक है। तो आपको जो सिटी इंटरमिनेशन आता है कि पहले आपको बताया जाता है कौन सा सिटी में आपका ये लगने वाला है, तो वो आपको उसका इंटीमेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिगार्डिंग NTPC CBT 2 कंफर्म हो चुका है कि आपका 15 फरवरी से 19 फरवरी तक आपका ये रहेगा, एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी जानना है, अगर आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो, मैंने कुछ टेप्स एग्जाम पेपर भी डाले हैं, वो क्वेश्चंस आप गो थ्रू करो, और मैं क्वेश्चन की सीरीज आने वाला हूँ आगे, ठीक है। और उसकी रिगार्डिंग और एक मैं नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे तो ग्रुप डी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है, उन्होंने भी इसमें क्या किया है कि अभी ग्रुप डी को भी NTPC जैसा ही बना दिया है, ठीक है। पहले क्या होता था, ग्रुप डी में एक ही एग्ज़ाम होती थी और उसके बाद फिज़िकल होता था, ठीक है। मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था, मुझे 85% मार्क्स थे, बट फिज़िकल में मैं 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पाया था। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फर्स्ट सीबीटी के बाद डायरेक्टली सेकंड स्टेज सीबीटी ले लिया है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सोचने वाली बात है कि आप मीन्स ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले रहे हो, उसमें भी आप फर्स्ट सीबीटी सेकंड सीबीटी ले रहे हो, तो थोड़ा डिबेटेबल इशू है। बट यही है कि ऑटोनॉमी रेलवे ने नोटिफिकेशन दिया है, तो अभी वो जो भी कहते हैं तो फाइनली रहता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे दिया है ये नोटिफिकेशन भी, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट सीबीटी भी होगा, तो ये आपका क्वालिफिकेशन का रहेगा। उसके बाद सेकंड स्टेज में आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो फिजिकल का, उसके हिसाब से फिर आपको DV वगैरह आपका होगा, और नीचे आप उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का इसका भी उन्होंने फॉर्मूला दिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रेलवे चेंज कर रहा है, बट हाँ, इसमें हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर एडवांटेज मिलता है, उस स्टूडेंट को डिसएडवांटेज मिलता है, बट यही है, रेलवे का ऑटोनॉमी रहता है, तो फिर जो भी डिसीजन लिया वो उनको फॉलो ही करना पड़ता है। तो ये दो लेटेस्ट अपडेट आया है, एक तो NTPC CBT 2 का और ग्रुप डी का। तो आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको GK के, तो उसके बाद जो मैथ के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और कुछ टॉप GK के MCQs वगैरह का मैं सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको एक अच्छे से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन से एग्ज़ाम या कौन से पैटर्न के एग्ज़ाम क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक ही टॉपिक में से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपके रिगार्डिंग ये दो नोटिफिकेशन या कुछ भी रेलवे के कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग आपके कुछ डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।